दुनिया के सारे देश मिलकर जितनी भी फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें अमेरिकन डॉलर का पोर्शन लगभग 62% है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड रिजर्व है उसका लगभग 75% गोल्ड अमेरिका के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी कुल पॉपुलेशन भारत के उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की कुल पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। ऐसे देश की करेंसी वर्ल्ड में इतनी पावरफुल और डोमिनेंट कैसे बनी, आज हम बात करेंगे अमेरिकन गोल्ड रिजर्व्स के बारे में और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के पास आखिर इतना सोना आया कहां से। हमारी ये अमेरिकन सोने की कहानी शुरू होती है सन 1900 से। इससे पहले अमेरिकन डॉलर की वैल्यू को सिल्वर के साथ जोड़ा गया था, जिसे हम सिल्वर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। सन 1900 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया, जिसमें डॉलर की वैल्यू को गोल्ड की वैल्यू के साथ अटैच कर दिया गया। इस गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व्स के बलबूते पर डॉलर को इशू करना शुरू कर दिया। उस समय गोल्ड का भाव डॉलर्स के टर्म्स में फिक्स कर दिया गया, मतलब 1 ounce गोल्ड यानी कि 28 ग्राम यह बराबर था $20.67 के बराबर। इसका मतलब ये भी था कि कोई अगर फेडरल रिजर्व जाकर, जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, वहां जाकर कोई अगर $20.67 जमा करता तो लीगली अमेरिकन फेडरल रिजर्व्स उसे 1 ounce ऑफ गोल्ड देने के लिए बाध्य था। शुरुआती दिनों में गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा चल रहा था और फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई और जर्मनी पर ब्रिटेन और फ्रांस ने हेवी वॉर इंडेमनिटी इम्पोज की। अब जर्मन इकोनॉमी तो डूब गई थी, उसके पास तो वॉर इंडेमनिटी पे करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब अमेरिका की एंट्री हुई और उसने कहा मैं हूं ना, और अमेरिका ने लोन दिया जर्मनी को और जिस लोन से जर्मनी ने अपनी वॉर इंडेमनिटी रीपे की। और गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत अगर फ्रांस या ब्रिटेन अपने डॉलर्स को अमेरिकन फेडरल रिजर्व में जमा करते हैं तो फेडरल रिजर्व्स को उनको गोल्ड देना पड़ रहा था। और इसी के साथ गोल्ड स्टैंडर्ड्स के लूप होल्स अमेरिका के समझ में आने लगे और कुछ ही समय में आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, कंपनियां बर्बाद हुई, बैंक्स डूब गई, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई और अमेरिका में करेंसी का फ्लो ठप हो गया। अमेरिकन जनता को यह डर था कि डॉलर का डीवैल्यूएशन ना हो जाए और इसीलिए अमेरिकन जनता फेडरल रिजर्व्स जाकर अपने डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने लगी। उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्हें यह डर था कि ऐसे करके एक दिन अमेरिका के सारे गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और इसीलिए 1933 में उन्होंने एक हफ्ते का बैंक हॉलिडे जारी किया, जिसके तहत सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा दी गई। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड का पार्शियल सस्पेंशन कर दिया, यानी कि अब कोई भी अमेरिकन फेडरल रिजर्व से अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ गोल्ड के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यूएस सिटीजन को यह चेतावनी दी कि आप सबके पास जो भी गोल्ड है वो आप फेडरल रिजर्व्स में जमा करें, अदरवाइज आपको इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है। और इन सारे स्टेप्स का असर ये हुआ कि अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को बचा लिया और फाइनली 1934 में अमेरिका ने लाया गोल्ड रिजर्व एक्ट, जिसके तहत अमेरिका ने प्राइवेट ओनरशिप ऑफ गोल्ड पर पाबंदी लगा दी। अब कोई भी अमेरिकन नागरिक प्राइवेटली गोल्ड ओन नहीं कर सकता था। अमेरिकन गोल्ड रिजर्व्स जो अब तक अमेरिकन फेडरल रिजर्व मेंटेन करता था उसको ट्रांसफर कर दिया गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की तरफ और अब अमेरिका का पूरा सोना यूएस बुलियन ट्रेजरी जो फोर्ट नॉक्स में स्थित है वहां पे स्टोर किया जाने लगा। 1934 के गोल्ड रिजर्व एक्ट के साथ अमेरिका ने डॉलर का डीवैल्यूएशन किया। 1 ounce ऑफ गोल्ड जिसकी वैल्यू पहले $20.67 हुआ करती थी उसकी वैल्यू अब बढ़ाकर $35 कर दी गई। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू को कम कर दिया गया और गोल्ड के भाव को बढ़ा दिया गया। अमेरिका के इस स्टेप से पूरे वर्ल्ड में जितने भी गोल्ड माइनर्स है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में गोल्ड माइनिंग को तेजी से बढ़ाया गया और पूरे वर्ल्ड से सोने को अमेरिका में एक्सपोर्ट किया गया और इस सब का इफेक्ट ये हुआ कि 1947 तक वर्ल्ड का लगभग 70% गोल्ड अमेरिका के पास कॉन्सेंट्रेट हो गया।
कुछ ही सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और 1945 में अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के पास ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होगी इसके लिए चर्चा की गई और इस बैठक में जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और IMF का। वर्ल्ड बैंक के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन IMF के तहत जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया गया उसके अनुसार गोल्ड की वैल्यू को डॉलर के साथ जोड़ा गया और वर्ल्ड की बाकी करेंसीज को अमेरिकन डॉलर के साथ जोड़ा गया। अमेरिका ने सारे देशों को विश्वास दिलाया कि आप हमारी करेंसी में विश्वास रखो क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है, और बाकी देशों के लिए भी अपना अपना गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। और इसका परिणाम ये हुआ कि IMF की करेंसी एक्सचेंज सिस्टम के पीक पर अमेरिका के पास वर्ल्ड का 90% गोल्ड कॉन्सेंट्रेट हो गया और अमेरिकन डॉलर बन गई वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। अब वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी में बाकी भी 5 करेंसीज है, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन। बट अमेरिकन करेंसी वर्ल्ड में इतनी पावरफुल और डोमिनेंट कैसे बनी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और भारत जैसा देश जो जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है उसकी करेंसी यानी कि रुपया इतनी पावरफुल कैसे बन सकती है? क्या भारतीय रुपया इतना पावरफुल हो पाएगा जितना अमेरिकन डॉलर है? क्या भारतीय रुपया वर्ल्ड पे अपना डोमिनेंस जमा सकता है जिस प्रकार आज अमेरिका जमा रहा है? क्या भारतीय रुपया वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन सकती है जैसे अमेरिकन और चाइनीज करेंसी है? इन सारे विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस स्पेशल वीडियो सीरीज में। और आप अगर YouTube पे इस पूरे विषय पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन हर वीडियो में आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और इसीलिए हम इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज को लेकर आए हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज को अगर आप देखते हो तो इस विषय का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी और अपने फैमिली की केयर कीजिए। मैं स्वप्निल पुराणिक आपकी आज्ञा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।